जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी नाज़रीन तुसरे दे पवे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहाडी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे वसेब दी आवाज़ पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ बल्कि मुल्तान शरीफ दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना खादिम तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन खवातीन हजरात जिवें कि साडा तुहाडे नाल वादा हुंदा कि असां तुहाडे मिलवे ने सराकी वसेब दे नामवर गुरुकारां दे नाल नामवर फनकारां दे नाल शायरां दे नाल अदीबां दे नाल और इवें ही अज जनाब मैं इस टाइम मौजूद हाँ रहीम यार खान दे विच और रहीम यार खान की सरजमीन ने बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट बड़े खूबसूरत फनकार गुलूकार पैदा किए और यकीनन रहीम यार खान होवे या पूरा सराकिस्तान होवे इतों के फनकारा ने वसेब का नाम बड़ा सारा रोशन किया और अज जी शख्सियत सा मौजूद है जनाब जहूर आवान साहब आप माशाल्लाह खूबसूरत गुलूकार हैं इन्हें को जानते हैं कि इन्हां दे नां दे नाल डॉक्टर भी लगता है और सिंगर भी बड़े कमाल दे हैं और थोड़े जे अरसे दे विच सराकी कौम को इवें मतलब सराकी कौम दे दिलों के उत्ते इन्होंने कब्जा कर दिया है इन्हां नाल असां गलबात करे सूँ इन्हां को जान सूँ कि क्या आखना इन्हां दा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सही क्या हाल है सर सही तबीयत सेहत मिजाज ठीक है दुआ सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर हां जहूर भाई सारी खुश नसीबी है कि असा तुम्हारे दरमियान मौजूद बैठे हैं तो को अक्सर दे दिया से गावणियां दे विच तस्वीरां दे विच और माशाल्लाह कहीं ले तुसा कराची दे विच सराकी रौनक लाई खड़े वे कहीं ले तुसा इस्लामाबाद च रौनक लाई खड़े वे हर जगह ते अच्छा मे को मैं पहला सवाल ये करे सा कि जेड़ा भी कोई सराकी प्रोग्राम होया उत्तों तुसा सा को जरूर नजर आवे तुम्हारे को गिदड़ सिंह केड़ी है सर गिदड़ सिंह को नहीं मेरी नियाजमंदी है हर किस्म के बंद कोशिश करना कि जेड़ा बंदा भी मेरे को अगर कोई फंक्शन से इनवाइट करें तो मैं उतना लाजमी पहुँचदा क्योंकि उन्होंने मेहरबानी भी सा को अबलाइज करेंगे कराची हो प्रोग्राम हूँ मैं पिछले साल शराफत भाई ना एक महीना मैं दुबई भी प्रोग्राम करके आया शारजा लैन अबूजेबी तो रहीम यार खान भी प्रोग्राम थे रहने इस्लामाबाद आपारा सेंटर थी गया लाहौर थी गया अलहमरा हाल के कराची में बेतहाशा प्रोग्राम किए ना आर्ट्स कौंसल है या कश्मीर कॉम्पलैक्स है या फ्लीट क्लब है ये जो हैं पे उतना अकेडमी वगैरह जो हैं पे टाउन वगैरह उतना जो प्रोग्राम होंगे इनवाइट कर चले वे सब तो बड़ी गल भी मेरा ही शौक तो ये शौक मेरा मजीद अलहमदुल्ला क्योंकि यानी हाल ही शौक है प्रोफेशन का नहीं बना हूँ प्रोफेशन वाले पास आ गए थे क्योंकि पहले उस्ताद को नहीं हूँ मैं उस्ताद शिगिरदी की दिए और अलहमदुल्ला मैं उनको सीखता पाया और कोशिश करे सा क्योंकि पहले मेरे जितने भी सॉन्ग हैं यूट्यूब के पे सॉन्ग हुसैन इंशाल्लाह पहले कनों मुनफरद हुसैन और इंशाल्लाह उनके को अच्छी तो अच्छी चीज़ जो पेश करे सा मैं जहूर भाई तो कोई शौक किवे लगा तुसा मतलब हार साथी तौर ते गुरुकार बने या कहीं नाल आई लव यू थई ए जरा सारे नाजरीन को दसे सो क्योंकि असादा मकसद हुंदा है अपने खिते दे फनकारा गुरुकारा दे हकायक लोगों तक घिन के वेणा क्योंकि लोग तो गुरुकारी ते जान दे लेकिन तुहाडी जिहड़ी जाती जिंदगी उहदे बारे जानना चाहंदे सर ओ अर्जी ने भी भाई कहीं दे नाल लव करन नाल नहीं थी ए जिहड़ी मैं फील्ड विच आया मैं लाला अताउल्लाह ईसा खिलवी दी बड़ी अकीदत रखे ना मैं उन्होंने फंक्शन भी किए मैं लाले के घर दावत भी खाया तो उन्हें बाद भी लाले नाल मेरे को बहुत ज़्यादा अकीदत है बाकी सारे सिंगर काबिल एहतराम हैं जितने भी सारे पाकिस्तान के सिंगर हैं सराइकी हैं पंजाबी हैं उर्दू हैं सब के नाल अकीदत है मगर सब तो ज़्यादा अकीदत मेरे को लाले अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब नाल है भी मेरा दिल करें तो भी मैं उन्होंने सॉन्ग जितने ना भी मेरे ना अगर कोई अच्छा म्यूजिशियन लगे पे तो मेरा दिल करें मैं गावा बैठा ये शुक्र है तुसा गावण का ना गिदा ना मैं तो सोची बैठा भी कि तुम्हारा दिल करें कि लाले अताउल्लाह के सारे गीत जो कहीं गिलास के पानी घोल के तो मैं पी वजा अच्छा डू जहूर ना दे डू शख्सियात हैं ई टाइम सराइकी वसेब के उन्होंने कब्जा है जहूर लोहार होवे जहूर आवाण होवे यकदम मतलब तुसा क्या समझ दे कनान जहूर लोहार साहब में मुलाकात थी जहूर लोहार साहब में मुलाकात तो नहीं थी मैं एक दो दफा चैनल उठा मैं उन्होंने मेरे को दसे भी उन्होंने इंटरव्यू वगैरह थी है उन्होंने भी अकीदत रखे ना क्योंकि कोई भी चीज़ को पॉपुलर करने वास्ते कोई टाइम नहीं होता फिक्स नहीं होता कोई सिंगर जिमें ओपन थे वो पॉपुलर थी वे हूँ जहूर लोहार साहब तो बहुत पुराने सीनियर सिंगर हैं मगर हूँ अल्लाह ताला ने उन्होंने हूँ शोहरत दी है तो सब कोई भी अखीरे से क्या पता अल्लाह ताला सारी सुन गए कोई सादा एक अद्धा गीत इन्हें पॉपुलर थी वे दुआ करें हूँ भी पॉपुलर ही वे तो ये सिर्फ तुसा खुद महसूस नहीं वे कर सकते पे अच्छा मैं ये सवाल करे सा कि बाज सिंगर असा डिठन कि नौजवान होंगे तो उन्हों को शौक होंगे तो आपको जरा मतलब थोड़ा जि जवानी गुजार के मौसीकी का शौक क्यों लगे सर जी शौक तो मेरे को मैं तो बचपन में 12-13 साल तो जो ना शौक ही पाया लाले नाल अकीदत तो पहले शुरू थी बस वो
अंदर ही अंदर गांदे रह गए से ओपन नहीं थे ओपन बकायदा गावन दा आगाज करन तो कीता तुसा मेरे को कम से कम ही जेड़ा ना ता 12 साल ते थी गए सन लेकिन इन दा 12 सालां दे विच जहूर भाई असा रेठे के लोग इथा सालों साल बल्कि जिंदगी मुक वेंदी ने ते ओ मतलब कोई अगला स्टेप नहीं चा सकदे तुसा ये 12 सालां दे विच मैं रेठे के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सराकी हवाले दे नाल बड़े वड्डे वड्डे प्रोग्रामां दे विच बड़े वड्डे वड्डे नामवर गुलूकारां दे इकट्ठे खड़ के तुसा परफॉर्मेंस कीती है ये जरा साडे नाजरीन को दसो सो तारे को गिदड़ सिंह ही है सही जड़ी चलो आपा उधारी एक बैन नाल कर गंदे सर अर्जे ए दे जितने भी सिंगर हैं उन्होंने मोहब्बत है असा अकीदत रखे नूं क्योंकि रहीम यार खान या बहावलपुर डिवीजन की कर कोई भी प्रोग्राम हो ना कि सारे सिंगर मेरे ना रबते चुनन उन्होंने मेहरबानी भी मैं कोई काबिल समझते वो फंक्शन से मैं कहते नहीं डॉक्टर साहब पहले तो सर उतरा गीत करो तुरे बाद असा गीत गासो तो वाला शौक है जहर वाला बदता पे अगे मैं एक अद्धा गीत करे ना मैं हूँ मैं भाई अजमल साजिद मन्ना भाई मुश्ताक छीने मैं गुलाब सिंगर गुलाब नाल भी सौंग कितने मेरे सारे ड्यूट सौंग ही नहीं पे जिम्मे तो चार चार पाँच पाँच गीत गाँ जिमें मैं गीत गाँ ना मेरे अंदर एक जोश वलवला पैदा थे कि मैं सारा कुछ क्लोज करके ना मौसीकी वाले पास टाइम जीवा मेरा बड़ा दिल करें दे मेरे ना अच्छे म्यूजिशियन होन अलहमदुल्ला मैं हूँ फंक्शन से मैं मेरे ना जो मेरा सैटअप है माशाला बहुत सोहना सोहना जो म्यूजिशियन मेरे नाल होंगे तो बाकी मेरे जितने भी दोस्त हैं सिंगर हैं मैं सब का एहतराम करें ना मेरे को आमदन मेरे वास्ते बहुत बड़ी एजाज की गल है कि एक मेरे को सिंगर देखो तुसा भाई शराफत अली खान साहब आ गए भाई अजमल साजिद आ गए भाई मुश्ताक छीना साहब आ गए जनाब अमन नवाज छीना साहब आ गए उनके बाद जनाब शहजादा आसिफ अली गिलानी साहब कौसर जापानी साहब आ इरम सियाल साहब थी गया अनमोल सियाल साहब थी गए इन्हों सब मेरी परफॉर्मेंस है करे सो मेरे अंदर कोई खामी कोई कमी कोई कुताही है तो मेरे को जरूर तुम मशवरा दसो ये करो सर जरूर भाई माशाला तुसा लाले अताउल्ला दे नाल बड़ी सारी अकीदत रखें दे वे लाले अताउल्ला ने तुहाडा करहन कोई गावना सुना है लाले अताउल्ला साहब कोल मैं पिछले साल में गया मैं उन्होंने घर जाहिर सोशल मीडिया का दौर है ना सही हूँ लाला डायरेक्ट तो हारमोनियम नहीं रखी बेटा मैं लाले को आखा मैं तो गीत सुना बनाया वो भी लाले का ही वास्ते सोशल मीडिया से देखते बैठन मैं गीत उन्होंने हर प्रोग्राम दे तो मेरे अगर मैं अपना हिकरू मेरा सब तो इन पॉपुलर सॉन्ग जो है डोला रहीम यार खाना पॉपुलर थे जिंदे शायर सारे उस्ताद मोहतरम रफीक सैल साहब है रहीम यार खान तालुक है पुटेवान तो उन्होंने मेरे को ये भी काफ़ी गीत लिख के दिए जेडे भी हिंट है माशाला बहुत अच्छी पोजिशन है जिम्मे और सारी जाती ख्वाहिश हो तुम परफॉर्मेंस करें बैठे हो तो सामने पब्लिक दे लाला ताउला बैठा हो तुम्हारी परफॉर्मेंस सुनता बैठा हो या ऐसा अगर थी वे कि तुमको पता ही ना हो तो तुम परफॉर्मेंस करें बैठे हो तो लाला ताउला पब्लिक बैठा हो तो यकदम तुमको पता लगे कि लाला ताउला बैठा तो कैसी फीलिंग हो सी सर जी मेरे वास्ते बहुत एजाज की गल है बड़ी खुशी की गल है मैं उन्होंने बड़ा एहतराम करें क्योंकि बाकी सिंगर जड़े ना सी लाले को इतना टाइम ही कोई होंगे भी वो कोई फंक्शन में अटेंड करे आम फंक्शन जो शादियों के फंक्शन होंगे हूँ तुम देख लो शराफत भाई बैठे सारे सारे सीनियर हैं अजमल भैया ने जितने वे वे सिंगर हैं ये बैठे उन्होंने सामने उन्होंने सामने तो मैं गा गिंदा मगर वो भी मेरे वास्ते बड़ी एजाज की गल है कि कितना वाडा सिंगर थी कि मेरे को आख भी तुम पहले परफॉर्मेंस दियो और मैं गीत भी उन्होंने गाँव पाया इन्होंने मेहरबानी मेरे मुहब्बत रखे अकीदत असं अकीदत रखे उन्होंने जहूर भाई लाले अताउल्ला तो इलावा तुसा केड़े ऐसे गुलूकार तो मुतासर हो जींदे गावने गावने तुसा फखर महसूस करें दे लाला सब तो ज्यादा तुम्हें को लाला अताउल्ला इसा खेल भी पसंद है बाकी जितने भी सिंगर हैं तुसा अजमल भाई को गिन गिनो शराफत भाई गिन गिनो भाई अहमद नवाज सिन्हा साहब थी गए मुश्ताक भाई थी गए इन्होंने सारे ने सॉन्ग में अपने परफॉर्मेंस करेंदा रहना प्रोग्राम से कोई जिम्मे कोई फरमाइश कर लेंगे तो फलाना गीत सुना दियो ज्यादा मेरे जो सॉन्ग ने लाला ताउला ऐसा खेल भी देते बाद बाकी जितने भी सिंगर हैं मैं सब सिंगर के गीत वो मैं गा दिना जो कोई फरमाइश करे तो वे गुलूकार या वे आर्टिस्ट के करीब वजना एक बड़ी मुश्किल होंगी है क्योंकि फेमस शख्सियात होंगे तुसा ये टाइम जितने भी शख्सियात सामने सको नजर आते वे वह सारे के सारे ये टाइम मार्केट फेमस हैं मैं वल हूँ गाल दे रहा पी हाँ कि बहुत सारे ऐसे सारे अपने आर्टिस्टा चो फनकारा चो ऐसे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने को मिलन को तरसते हैं तुम्हारी सारे ना बड़ी एक प्यारी कुर्बत है तुसा ये मतलब थोड़े जे सफर ये स्टेज तक कि पहुंचे वे सर जी पहले तो जिम्मे प्रोग्राम वगैरह आदि ना तो मैं ओपन ना आम ही हूँ मेरे एक साल के मेरे चार सॉन्ग जो मैं शादी फंक्शन करना ड्यूट सॉन्ग सिंगर शराफत अली खान सिंगर अजमल साजिद सिंगर मुश्ताक भाई न कि जितने भी पॉपुलर सिंगर ने इन्होंने नाल मेरे जूट सॉन्ग शादी दे हैं जेड़े मगर मेरे वास्ते बहुत एजाज की गल है
मैं बड़ी खुशी महसूस करना इन्हें सिंगरां दे नाल परफॉर्मेंस करके कि मेरे को एक अच्छा सैटअप मिल वेंदे, अच्छे लोग मिल वेंदे, वाले इन्हों के नाल सारी इज्जत भी है। हाँ जहूर भाई, अक्सर सारे वसेब ऐसे लोग हैं जो गुलूकार को सरवावना चाहते हैं लेकिन उन्होंने को सरमाया कह नहीं, उन्होंने को असासा कह नहीं, वो मतलब है कि ना मतलब एडा वे ना को सुचेंद कि यार असं को सर सकसूँ या ना सर सकसूँ। क्या तुम्हारी क्या डिमांड है कि तुम्हारे अगर कोई मुहब्बत करने वाला प्यार करने वाला बंदा उनके को पैसे भी ना होवन और जहूर अमान साहब को सरवावना चाहता होवे तो उनके वास्ते मतलब क्या तुहाडे तक रसाई है उनकी? अर्ज ये है भी मेरे तकरीबन प्रोग्राम जिम्मे में अगर कोई कला सड़े तो मेरे अपने ट्रैक भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, तो अगर कोई दोस्त आख रहे भी असा अदायगी पैसे की तुम्हारी फीस नहीं दे सकते तो मेरे को बड़ी खुशी की गल थी कि मेरे को ट्रैक हैं, मैं अपनी तरफ चला पा, मेरा घंटा दो घंटे का प्रोग्राम मैं ईजीली कर सकता। रात एक शादी भी मैं एक खान वेले गया, उन्होंने आखिर सी साड़ी अगले हफ्ते शादी भाई जान थोड़े यूट्यूब से गाने देखे तो चौखे पैसे गिनसो। मैं क्या भाई जान मैं थोड़े कोई पैसा नहीं गिनता, तुसा गरीब आदमी है, तुसा मेरे को आखे वे तो मैं थोड़ा प्रोग्राम है फ्री करे सा। तो इवें कई प्रोग्राम है जो है दोस्तों के होंगे ना, मैं किनों ना कहीं ना डिमांड नहीं करता, अल्लाह तला ने मेरे को बहुत कुछ दिता हो, मैं किनों ये जहन के नहीं कहता कि मैं पैसा कमाव या ये चीज़ करा। मेरे को सब तो जी मेरे को अपनी इज्जत ना ले, मैं जितने सॉन्ग करा या सिंगर दे करा मेरी इज्जत अल्लाह तला मेरे को दे। जहूर भाई अगला सवाल करने तो पहले मैं चाहता कि एक अंतरराष्ट्रीय अपनी पसंदीदा कोई भी गीत, क्योंकि इन टाइम सारे को म्यूजिशियन हजरात कहनगे खवातीन हजरात फल असा जहूर भाई को तकलीफ देसूँ और इन्हों को म्यूजिशियन के नाल सुनसू, लेकिन मैं चाहता पी कि इन्हों का अपना गाया हुआ गीत जो इन्हों का इन टाइम फेमस होया इन्हें एक अंतरराष्ट्रीय असाने को सुन गए। ढोलरी मियार खां अखी रात बिछे सामे सारा जग भुलवे सी ए जब प्यार करे सामे ढोलरी मियार खां तेरे बाजू नहीं निभदी मेथों दूर ना ढोल होवे दिल मेरा इवें आहद मेरी अखियां दे कोल होवे ढोलरी मियार खां ते को दुनिया विसर वे से देख से भूंग मस्जिद तेरा जिगर भी ठर वे से ढोला रे मियार खान ढोला रही मियार खान आ तू सब कुछ भूल वैसे तो मेरे को इतना याद आया कि धूप तो उठी छांते वाला धूप तो उठी छांते वाला छोड़ सिराना बहाते वाला धूप तो उठी छांते वाला छोड़ सिराना बहाते वाला बहाते रिजवान जे चैन ना आवे जुतियां सोदे हाते वाला। क्या बात है जी, बड़ा कमाल तुसा गीत सुनवाया, तुहाडा बड़ा मशहूर जमाना गीत। हुण असा प्रोग्राम दे आखर वाले पासे वेंदे पए, तुहाडे पसंदीदा शायर केड़े ने? इस राइकी वसेब विच बड़े सारे शायर हैं जिहड़े कलाम लिखदे पए, तुहाडे पसंदीदा केड़े? पसंदीदा शायर ते काबिल एहतराम हुंदे ना सी शायर जितने भी हैं ना उतना कम है, क्योंकि जितने भी सिंगर हैं वे वो शायर तो बगैर अधूरे हैं, कोई भी सिंगर अपनी परफॉर्मेंस खुद नहीं कर सकता। और मैं जितने भी शायर साहबान हैं शाकिर शुजाबादी साहब हैं, रफीक सैल साहब हैं, अमानुल्ला अरशद साहब हैं, बाकी सारे मियाँ वाली दे ज़िला मियाँ वाली दे काफ़ी शायर हैं, तो सब नाल अकीदत रखे नूं, मगर जितने तक अल्लाह ताला इन्हां शायरां दी उम्र दराज करे और साड़ी दुआ है कि सोहनी सोहनी शायरी करन। और देखो ना इतने बड़े बड़े सिंगर गाँव पे सोहनी सोहनी शायरी करन ते वो शायरी करन कि जिहड़ी असां साड़ी धीआं भैणां दे विच फैमिलीआं दे विच, क्योंकि अजकल शायर जिहड़े ओ कंधा क्रॉस कर गए। सर जी अर्ज है ना बई जिहड़े ते शायर स्टैंडर्ड दे ना सिंह इन्हें हर गली के शायर बन गए, इस सिलसिला में उन्होंने गल नहीं करना, जो पॉपूलर हैं शायर जिन्हों का नाँ है अल्लाह तला ने उन्होंने को नाम दिता है, शाकिर शुजाबादी साहब हैं, अमानुल्ला अरशद साहब हैं, रफीक सहल साहब हैं, ये बे ढेर सारे शायर हैं बे, अल्लाह तला उन्होंने को भी तरक्की दे, अच्छे गीत लिखे, असा उन्होंने लिखे हुए गीत गाऊँ, उन्होंने धुना गाऊँ, सारे वास्ते बहुत फखर की गल। सौर भाई एक दौर आई कि मियाँ अली दे सिर्फ अताउल्ला ईसा खिलवी मियाँ अली की पहचान आई, मियाँ अली सरायकी वसेब का हिस्सा है, लेकिन हुण ई टाइम थोड़ा ही अरसा पहले सारे सरायकी पूरे सरायकी वसेब तो मियाँ अली को अल्लाह ने एक वल दोबारा बख्त लाया, अज मियाँ अली का हर वह गुलूकार मतलब फेमस है, इनका क्या राज है?
सर अर्ज ये भी लाला अताउल्ला ईसा खेलवी इलाके ने से मियाँ वाली लाला ईसा खेल रहा हूँ तुम ये देखो भाई शराफत अली खान साहब भाई शफाउला शफाउला भाई और जिशान रोखड़ी साहब ठीक है ना मियाँ वाली तो गाड़े ना सी सिंगर का इब्तदा तो उतों थी ये लेकिन एक दौर वो आई जरूर भाई के रहीम यार खान और मुल्तान सरायकी वसेब दे गुलूकारा का बड़ा मरकज होंदा लेकिन हुन चंद अरसा पहले जिमें के शफाउला रोखड़ी साहब का जिक्र थींदा भी हुंदा बेटा जिशान थी गया शराफत थी गया शराफत का भिरा है बहु बे भी बहुत सारे गुलूकार हैं और ई टाइम मेरे ख्याल के मुताबिक सरायकी हवाले दे जो लक है गुलूकारा का मियाँ अली ज्यादा चलता बिल्कुल सही फरमाइंदे पे तुसां यो सब तो ज्यादा ई टाइम साढ़े जेडे बहावलपुर डिवीजन के पूरे पाकिस्तान जितनी डिमांड मियाँ वाली सिंगर की करते हैं ना लोग इतने बाहर के लोकल नहीं करते मुल्तान है बहावलपुर है उन्होंने डिमांड बहुत कम है अस खुद फंक्शन करेंगे से में कौन एक पार्टी का फोन साथ का बात प्रोग्राम से शराफत अली खान साहब को साडियो उन्होंने आखिया चौके पैसे गिन सन मैं आखिर भाईजान जितने आखे सौ करवा ले सर उन्हें आखिर सारे को डेढ़ लाख मंगी सी मैं आखिर मेरे को हुक्म करो जितना आखो मैं करवा लेना उन्हें आखिर सबको लाख से करवा लो मैं लाख तो भाईजान को कॉल की उन्हें आखिर लाला तुसा बस इतने ये तो सर जोक टीवी देखना नाजरीन को दिसेंदे पावे कि अगर तुसा शराफत अली खान को सड़ना है तो कम से कम आप अगर जहूर भाई ना राबता करो तो लाख रुपया हो वे मैं अर्ज करें बहन सिंह उन्होंने मेरे को आखिर उन्हें आखिर लाला तुसा इतने उन्होंने डिमांड नहीं की शराफत भाई ने वो तो पार्टी ने खुद डायरेक्ट उन्होंने गाल की मेरी जी शराफत भाई गाल थी उन्हें आखिर भाईजान इतने के पैसे गिन गिनो लाला कि थोड़ी सारी मुलाकात थी बनी भाई इतना रसीद थी कि मुलाकात नहीं थी हाँ जी खवातीनों हजरात सारी गुफ्तगू थी पई जनाब जहूर अवान साहब के नाल और माशाल्लाह ई टाइम सरायकी वसेब का बड़ा खूबसूरत नाम है और हर दिल अजीज शख्सियत है हर प्लेटफॉर्म से सकू नज़र आते हैं हर कंपनी सकू नज़र आते हैं अल्लाह पाक ने ई टाइम इन्हों का जो सितारा है क्योंकि मैं पहले दस गया कि जहूर ना दे बंदे ई टाइम सितारा चमको है वो जहूर अवान हो जहूर लोहार हो जोक टीवी वसेब की आवाज़ तुहाड़ी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे सरायकिस्तान की आवाज़ ई टाइम सरायकी वसेब के फनकारा को भी नाल प्रमोट करें पे शहर को भी प्रमोट करें पे जोक टीवी जो किरदार अदा करें पे उन बारे तुसा क्या अक्सो और जोक टीवी की नुमाइंदगी जी तो कैसी लगती सर मैं तो पहले पहले खुश आमदीद रखें जोक टीवी को भाई सारे वास्ते बहुत फखर की गल है कि रहीम यार खान तशरीफ गए हैं सारे इंटरव्यू किए इन्हों का और इतने जितने अहम अहम सिंगर हैं या शायर हैं उन्होंने इंटरव्यू गिंदे पे बहुत इन्हों का अच्छा स्टैप है और मैं दुआ करे सी अल्लाह ताला इन्हों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और रिजवान भाई में इंटरव्यू सारा गिंदे रहन ते असाइन दे नाले से बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आखिरी डू गाली करे सारे सरायकी वसेब दे शायर होवन गुलूकार होवन उनों को क्या पैगाम दे सो क्या आखना चाहसो मैं तो ये पैगाम दे सा के असा तो पहले अकीदत रखेंदे से जो टीवी दे नाल ऐसी गल नहीं मगर जितने मैं अपनी जात तो ये खेना भी मेरे को जीवले इनवाइट करे सन मैं उतना हाजिरी देसा लाजम सर ऑन ईयर तो इनवाइट की बैठे भी अगली में करे अर्ज ना देखो तुम मेरे को दसिया मैंने अगले महीने है ये तो अस अपने आप उतना इंशाला हाजिर थी सो जनाब बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आखिर क्योंकि ई टाइम सा प्रोग्राम पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में डिठा वह पे जोक टीवी नाल बड़ी सारे लोग मुहब्बत करेंगे क्योंकि ये सरायकी कौम का चैनल है सरायकी खिते का चैनल है और सरायकी लोगों की आवाज़ है तमाम देखने वाले नाजरीन को मिठा जिया प्यारा जिया सोना जिया पैगाम सब तो देखो सर जितने भी लोग मेरे को देखते बैठे जेड़ी जेड़ी जगह पर भी बैठे सब तो पहले अगर तुम अपनी कामयाबी चाहते आखो भाई तो सुकून मिले तो अपने वालदा वालदैन उन्होंने को ना छोड़ो और जी हालत भी है ना बस उन्होंने दुआवें सदके सी स्टैप पर पहुंचे हुए से जैसे अल्लाह ताला हर कहीं जैसे वालदैन जिंदा उन्होंने को तौफीक देवे कि वह अपने वालदैन की इज्जत करें हाँ जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी ना खवातीनों हजरात सर गुफ्तगू करते पे जनाब जहूर आवान साहब और बड़ी खूबसूरत आवाज़ दे मालिक हैं और इंसान दोस्त शख्सियत हैं बल्कि मैं इवें क्यों ना आखा कि इन्हें को एक ऐसी गिदर सिंगी है कि बंदे दे नाल पांच मिंट बमिन पंजा मिंटा तो बाद बंदा अगला बंदा इन्हां दा थी वेंदा उन्दे दिल ते कब्जा कर गिंदे ते आखिर दे विच इस शेर दे नाल मैं इजाजत चाहसा कि दुनिया उत्ते रख तो बंदे आ ऐसा बैन खलोण दुनिया उत्ते रख तो बंदे आ ऐसा बैन खलोण तू आवें ते हसन सारे तुर जावे तो रोन अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाओ कि तुसा ना होवो तो तुहाडी कमी महसूस होवे तुसा आओ तो लोगों को खुशियां मिले खवातीनों हजरात जिंदगी का मकसद होंदा कि कहीं दे काम आवना कोशिश करो कि अपने तो गरीब लोगों नाल प्यार करो नदार लोगों नाल प्यार करो यतीमा दा सहारा बनो क्योंकि जिंदगी बेमकसद होकर अगर तुसा गुजारीए
ते उंदा कोई फायदा कहीं नाजरीन दे दरसो झोक टीवी वसीब दी आवाज़ अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इजाज़त अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने।